हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है 17 दिसंबर। 17 दिसंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहां से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्ज़ाम के, जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट के एग्ज़ाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए जो है आपका इम्पोर्टेंट है। यहाँ से जो अगर एग्ज़ाम में देखेंगे तो 12 से 15 तक के क्वेश्चन जो है आपके हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, चाहे यूपीएससी हो, पीएससी, पुलिस कांस्टेबल, महिला पर्यवेक्षक, छात्रावधि, पटवारी, पुलिस कांस्टेबल, कोई भी एग्ज़ाम हो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम का आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। आज का जो करंट अफेयर्स यहाँ पर इम्पोर्टेंट है उसको हम देखेंगे। इसका जो पीडीएफ मैं टेलीग्राम में जो है यहाँ पे शेयर कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे लिंक दिया रहेगा, तो वहाँ से बढ़िया आप डाउनलोड करके एक बढ़िया रिवाइज कीजिएगा। रिवाइज बहुत बड़ा जो है इम्पोर्टेंट रोल निभाता है, इसलिए रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। स्टार्ट करते हैं सेशन को। हाल ही में जो किसने सबसे बड़ी जो पढ़ने की गतिविधि का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है, जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है उपलब्धि अपने आप में ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जो है हाल ही में जो है पढ़ने की गतिविधि का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो हासिल किया है, कौन से स्टेट ने? पूरी, चेन्नई, पुणे या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो पुणे जो शहर है, इन्होंने हाल ही में जो है पढ़ने के मामले में जो गतिविधि का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है। इन्होंने कैसे जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है, तो हाल ही में जो यहाँ पे पुस्तक मेले का आयोजन किया गया था, पुस्तक मेले का जो यहाँ पे आयोजन किया था पुणे में, कि यहाँ पे मतलब जैसे आप फैमिली में आप जैसे जाते हैं तो अपने साथ बच्चों को, अपने फैमिली के साथ, ऐसा करके इन्होंने यहाँ पे पढ़ने में यहाँ पे जो है फैमिली में बच्चे, माता पिता, मतलब फैमिली से हाथ वहाँ पे जो है पढ़ने के मामले में जो है पूरे शहर ने यहाँ पे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बढ़ाया है, मतलब बनाया है पढ़ने की गतिविधि को लेके। मतलब फैमिली में जब हर एक जने यहाँ पे जो है जो पुस्तक मेले में यहाँ पे पढ़ने के लिए पहुँचे थे, तो इसलिए यहाँ पे जो है पूरे शहर ने यहाँ पे पढ़ने की जो गतिविधि का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है पूरे शहर ने, तो इसको याद रखिएगा। पीछे जो पुस्तक मेले में अच्छे अच्छे प्रकाशक भी आते हैं और प्रसिद्ध लेखक, उनके जो बुक आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पवन कुमार सेन को किस राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इनको बनाया गया है, गुजरात, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, इससे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश, यहाँ की राजधानी है, यहाँ के जो कैपिटल है ईटानगर। पेमा खांडू जी वर्तमान में यहाँ के जो है मुख्यमंत्री हैं। तो यहाँ के जो पवन कुमार जो सैन है, इनको हाल ही में जो अरुणाचल प्रदेश के जो इनको मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में इनको नियुक्त किया है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इनको बनाया गया, तो इसको याद रखिएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आसियान भारत बाजार महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ढाका में, नई दिल्ली, बीजिंग या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजधानी नई दिल्ली में। हाल ही में जो है हमारे जो केंद्रीय मंत्री है अर्जुन मुंडा जी, इन्होंने हाल ही में जो आसियान भारत बाजार महोत्सव का उद्घाटन इन्होंने किया है। अलग अलग इसमें जो इस बाजार महोत्सव में यहाँ पे अलग अलग देश इसमें जो है हिस्सा लिए थे, तो इसमें बड़ी बड़ी जो देश हैं अमेरिका, फ्रांस, इटली वगैरह, इस देश में जो है इस सम्मेलन में हिस्सा लिए थे। एक तरह के यहाँ पे जो है किसानों को जो आय को यहाँ फोकस किया जाएगा, और साथ ही साथ जो मोटा अनाज है बाजरा वगैरह को यहाँ पे जो है इस फसल को यहाँ पे किसानों को आय दुगनी करने के लिए, बाजरा को जो है यहाँ पे खेती को लाने के लिए यहाँ पे प्रोत्साहित भी किया जाएगा। इसका जो उद्घाटन है इस बाजार महोत्सव में यहाँ पे नई दिल्ली में यहाँ पे किया गया था। किसानों से संबंधित जो है महोत्सव है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के जो प्रथम राष्ट्रपति मिर्सिया स्नेगू, याद रखिएगा, हाल ही में जो प्रथम राष्ट्रपति मिर्सिया स्नेगू जिनका निधन हुआ है, कहाँ के रहने वाले थे? नॉर्वे, मालडोवा, स्वीडन या इनमें से कोई नहीं थी। याद रखिए आप मालडोवा का रहने मतलब ये आपका पहले यहाँ के मालडोवा देश के जो पहले राष्ट्रपति हैं जिनका हाल ही में मिर्सिया स्नेगू यहाँ के पहले राष्ट्रपति हैं मालडोवा के, जहाँ पर इनका निधन हो गया है। ये जो मालडोवा जो देश है यूरोप के अंतर्गत ही आपका बसा हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर के लिए मुफ्त बस यात्रा शुरू की है? मिजोरम, छत्तीसगढ़, तेलंगाना या आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो हाल ही में जो तेलंगाना राज्य ने जो है यहाँ पे नई सरकार बने कांग्रेस के, तो इनके द्वारा जो है योजना लाई गई थी कि मतलब यहाँ पे घोषणा की गई थी, योजना लाई गई थी महिलाओं के लिए, और साथ ही साथ जो यहाँ महिला ट्रांसजेंडर जो यहाँ पे जो है लड़कियों के लिए पे जो यहाँ पे जो है बस सेवा एक तरफ से फ्री ऑफ कास्ट यहाँ पे किया जाए, और साथ ही साथ जो है यहाँ पे जो भी किराया वगैरह ये जो सरकार यहाँ पे जो रेंट है जो बस किराया है ये आपका सरकार द्वारा इसको पेट किया जाएगा। तो ऐसा करके यहाँ पे महिलाओं, ट्रांसजेंडर, यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चों, महिलाओं के लिए, सभी के लिए यहाँ पे जो फ्री ऑफ कास्ट कर दिया गया है, मुफ्त बस यात्रा शुरू की है तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी क्या है जी? हैदराबाद यहाँ की राजधानी है। यहाँ के नए कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं रेवानाथ रेड्डी, याद रखें रेवानाथ जो रेड्डी हैं वर्तमान में यहाँ कांग्रेस पार्टी के नए मुख्यमंत्री हैं। यहाँ के राज्यपाल कौन है? गवर्नर, तो सुंदराजन जी अभी वर्तमान में यहाँ के गवर्नर हैं, राज्यपाल है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की सबसे तेज और इलेक्ट्रिक नाव जो जिसका नाम है बाराकूडा कहाँ लॉन्च की गई है? महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंगाल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये भारत की सबसे तेज और इलेक्ट्रिक नाव है जिसका नाम है बाराकूडा, ये कहाँ लॉन्च की है? केरल में की गई है, इसको याद रखिएगा। और जैसे इसको ये आपका चार्ज से चलने वाली नाव है, एक बार जैसे चार्ज करेगी तो ये आपके सात घंटे तक ये जो है चलने वाली, ऐसा करके यहाँ पे दावा किया गया है। तो ये पूर्ण रूप से सौर इलेक्ट्रिक नाव है, कहाँ चलाएगी? केरल में जो है इसको पर्यटन जो जगह है वहाँ पे इसको चलाई जाएगी, तो एक तरह के यहाँ पे केरल में इसको चलाया जाएगा। केरल की बात करूँ, यहाँ की राजधानी है केरल की राजधानी क्या है जी? तो केरल की जो राजधानी है आपका तिरुवनंतपुरम, यहाँ की राजधानी है। पिनराई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, आरिफ मोहम्मद खान वर्तमान में यहाँ के गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में मिस इंडिया यूएसए 2023 के खिताब किसने जीता है? प्रगति गर्ग, कृति कामरा, रिजल मैनी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो रिजल मैनी है 24 वर्षीय मेडिकल की छात्रा हैं, हमारे भारतीय मूल के हैं। तो हाल ही में जो मिस यूएसए या आपका जो एक सौंदर्य प्रतियोगिता है, तो 2023 के लिए मिस इंडिया जो यूएसए 2023 के जो खिताब है हमारी भारतीय मूल के 24 वर्षीय जो मेडिकल की छात्रा रिजल मैनी ने जीती है। तो ये हमारी बड़ी उपलब्धि हमारे भारतीय मूल के हैं, जिसको याद रखे रिजल मैनी नाम को, बस आपको याद रखने ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हमारे भारतीय मूल के हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बीसीसीआई जो बोर्ड ने किस पूर्व क्रिकेटर की जो जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया है? राहुल द्रविड़, एम एस धोनी, युवराज सिंह या इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, एम एस धोनी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में जो बीसीसीआई जो बोर्ड ने, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने, जो हमारे एम एस धोनी जो पूर्व क्रिकेटर के जो जर्सी हैं, इनके जर्सी नंबर जो 7 है, इनको रिटायर करने का जो फैसला यहाँ पे किया गया। इसी तरह यहाँ पे सचिन तेंदुलकर का 10 था, उनको भी यहाँ पे रिटायरमेंट किया गया था। अब का जो बीसीसीआई कंट्रोल बोर्ड ने इनके जो 7 नंबर को जो जर्सी रिटायर करने का फैसला यहाँ पे किया गया है, जो जर्सी उनको किसी को नहीं दिया जाएगा, सुरक्षित रखी जाएगा एम एस धोनी जी की। तो इसको याद रखिएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एम एस धोनी सभी जानते हैं, इंडियन क्रिकेटर हमारे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस बैंक ने सोलर प्रोजेक्ट के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किया है? बंधन बैंक, यस बैंक, भारतीय स्टेट बैंक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारतीय स्टेट बैंक, जिसको हम SBI बोलते हैं। तो हाल ही में जो SBI बैंक ने सोलर प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे सौर ऊर्जा को जो सौर ऊर्जा के प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे जर्मन विकास बैंक के साथ यहाँ पे लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किया गया। लाइन ऑफ क्रेडिट ये आपका होता क्या है? जैसे आप कोई भी बैंक से जैसे आप लोन लेते हैं, लाइन ऑफ क्रेडिट मतलब ये आपका जो है एक तरह को यहाँ पे मतलब 5 साल 10 साल के लिए, तो आप जो है पैसा को मतलब एक तरह को आपको छूट दी जाती है कि इतना समय में आपको पटाना है, एक तरह का छूट जाती है, अपने हिसाब से पैसों को आप जो पैसे को वहाँ पे जमा कर सकते हैं एक तरह के, यहाँ पे चाहे 5 साल हो 10 साल यहाँ पे, जिसी को लाइन ऑफ क्रेडिट बोला जाता है, मतलब अपने हिसाब से टाइम के हिसाब से जो पैसों को यहाँ पे जमा करेंगे
तो ये जो है लाइन ऑफ क्रेडिट जो हस्ताक्षर की है SBI ने जो है आपका जर्मन विकास के बैंक के साथ किया है, सोलर प्रोजेक्ट के लिए लगभग 650 करोड़ रुपये की यहाँ पे समझौता यहाँ पे किया गया है। कौन से कार्य के लिए? सोलर प्रोजेक्ट के लिए। यहाँ पे बात कर भारतीय स्टेट बैंक, इसकी स्थापना कब किया गया था? तो 1955 की स्थापना किया गया था। इसका हेडक्वार्टर अक्सर पूछा जाता है, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। और अभी वर्तमान में जो है इसके MD CEO कौन है? अभी स्टेट बैंक है तो अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा जी अभी इसके हेड हैं, चेयरमैन है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आंद्रे बुघेर, याद रखिए हाल ही में जो आंद्रे जो ब्रुघेर है इनका निधन हुआ है, ये कौन थे या कौन से क्षेत्र से जुड़े हुए थे? लेखक थे, अभिनेता, गायक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपके अमेरिकन एक्टर थे, याद रखिएगा। जो आंद्रे बुघेर जिनका निधन हो गया है, ये ब्लड कैंसर की वजह से इनका डेथ हो गया है 61 साल के से। तो ये आपका अमेरिकन जो है एक्टर थे जिनका ब्लड कैंसर के वजह से इनका डेथ हो गया। कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के रहने वाले थे, एक्टर थे पेशे से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 11वां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विश्व के सबसे ऊँचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण कहाँ किया जाएगा? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लद्दाख, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड जो यहाँ पे एयरफोर्स के लिए यहाँ पे इसको बनाया जा रहा है, यहाँ पे जो है चाइना और जो भारत के जो बॉर्डर पे इसको बनाया जा रहा है, इसको BRO के द्वारा इसको बनाया जाएगा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको बनाया जाएगा। ये भारत के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड है जो कि एयरफोर्स विभाग के लिए इसको बनाया जा रहा है। आप सभी को पता होगा चाइना और भारत के बीच अभी कुछ भी ठीक नहीं चल रही, इसी के लिए यहाँ पे देखते हो यहाँ पे लगभग 280 करोड़ के बजट के साथ इसको BRO को यहाँ पे बनाने के लिए यहाँ पे बोला गया है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जिसको बनाया जाएगा ये आपके लद्दाख में, मतलब चाइना और आपके जो गलवान घाटी देखे होंगे तो बॉर्डर आपके चाइना और भारत के बीच यहाँ पे इसको बनाई जाएगी, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हाल ही में कौन सा देश भारत के साथ हाइग्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट खत्म करने वाला है? जापान, म्यांमार, मालदीव या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मालदीव सभी जानते होंगे। तो हाल ही में जो मालदीव देश यहाँ के जो नए राष्ट्रपति हैं इन्होंने यहाँ पे हाल ही में भारत के साथ हमारे जो भारत के साथ यहाँ पे जो एग्रीमेंट हुआ था पहले हाइग्रोग्राफिक सर्वे जो एग्रीमेंट ख़त्म करने वाला है, इसके पहले जो राष्ट्रपति थे भारत और हमारे मतलब मालदीव के बीच अच्छे संबंध थे, लेकिन यहाँ पे जो है यहाँ पर जो नए राष्ट्रपति हैं आपका चेंज हो गया है, तो इसी के देखते यहाँ पे हमारे जो भारतीय सेनाओं को पहले वापसी किया। अब यहाँ पे जो है हाइग्रोग्राफिक सर्वे क्या होता है, यहाँ पे जो समुद्र जो अंदर के जो पानी होता है एक तरह का सर्वे किया जाता है कि पानी का जो उछाल जो मतलब जो कम मतलब एक तरह का जो सतह का यहाँ पे एक तरह का सर्वे किया जाता है समुद्र का, तीसरी सर्वे करने के लिए यहाँ पे जो हमारे भारत के द्वारा किया जाता था, तो इस हाइग्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट के यहाँ पे ख़त्म कर दिया है मालदीव के द्वारा। मालदीव की बात करें यहाँ की राजधानी है माले और यहाँ के जो नए प्रेसिडेंट है मोहम्मद मैजू करके नाम है इनका, यहाँ के अभी राष्ट्रपति हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन, हाल ही में यूनाइटेड वर्ल्ड जो रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 के रूप में किसे नामित किया गया है? निशा दहिया, अंतिम पंघाल, साक्षी मलिक या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अंतिम पंघाल, याद रखिएगा, कुश्ती प्लेयर हैं हमारे भारत के महिला कुश्ती प्लेयर हैं। तो हाल ही में जो सर्बिया में जो बारबाडोवा करके जगह है यहाँ पे सर्बिया देश में यहाँ पे ये जो कुश्ती चैंपियनशिप हुआ है, तो इसी को देखते हैं उनके जो मतलब खेल और योगदान की वजह से उनको मतलब बेहतरीन जो यहाँ पे खेल के उनको देखते हुए जो हमारे भारत के जो कुश्ती प्लेयर हैं अंतिम पंघाली उनको यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग ऑफ द ईयर के लिए 2023 के लिए उनको नामित किया गया है, तो इसको याद रखिएगा कौन से खेल से संबंधित है, तो कुश्ती प्लेयर हैं, आपको इतना याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हाल ही में साल 2023 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जीता है, तो इंदिरा गांधी जो पुरस्कार है कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये शांति के क्षेत्र में सामाजिक कार्यकर्ता जो होते हैं यहाँ पे उनको ये अवार्ड दिया जाता है, जो हमारे पूर्व जो प्राइम मिनिस्टर थे इंदिरा गांधी उनके याद में स्मृति में दिया जाता है,
1986 से जो है 1986 से जो अवार्ड प्रदान किया जा रहा है, इनके फाउंडेशन है तो उनके द्वारा जो अवार्ड को दिया जाता है, तो अली अबू अवद और डेनियल बेरेनबोइम इन दोनों को दिया जा रहा है। ये आपका जो जो है आपका एक सामाजिक कार्यकर्ता है, और हाल ही में जो है इजराइल और यहाँ पे जो है देखे होंगे यहाँ पे इजराइल और आप हमास और इजराइल के बीच जो गाज दो युद्ध चल रही थी, इसमें जो है एक सामाजिक कार्यकर्ता है अली हमूद अवाद। ये आपका शांति के क्षेत्र में इनका संगठन है, मतलब शांति के क्षेत्र में उनके कार्य करने के लिए इनको जो है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। और डेनियल जो बेरेनबोइम है, ये आपका जो है एक पियानो प्लेयर है, संगीतज्ञ है, तो उनके काम और योगदान की वजह से उनको जो है दोनों को जो है यहाँ पे ए बी करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त दोनों को यहाँ पे है 2023 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार इन्होंने जीता है। नाम को याद रखिए, अलू अबू अवद और डेनियल बेरेनबोइम, दोनों का आपको नाम को याद रखना है। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन से लिंक दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कीजिए, इसका बढ़िया आपको रिवाइज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एडीबी ने, जिसको हम एशियन डेवलपमेंट बैंक बोलते हैं, इसको एशियाई बैंक भी बोला जाता है हिंदी में, तो हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने चालू वित्त वर्ष में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 7.1%, 6.7%, 7.4% या आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 6.7%, ये डाटा याद रख लीजिएगा, 6.7% जो है डाटा एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हमारी जो भारत की विकास दर, जिसको हम जीडीपी बोलते हैं, इंडिया का ग्रोथ रेट बताया जा रहा है यहाँ पे, तो जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत की जो ग्रोथ रेट 6.7% यहाँ पे आकी गई है, तो इसको याद रखिए। रिसेंटली जो है 2023 के लिए बताया जा रहा है, 2024 के लिए नहीं, 2023 के लिए यहाँ पे बताई गई है। तो अब तो जनवरी आ गए, पूरे साल के लिए यहाँ पे इन्होंने डाटा बताई गई है। बात करते हैं यहाँ पे एडीबी की, इसको एशियन डेवलपमेंट बैंक बोलते हैं, विकास क्षेत्रीय विकास बैंक भी बोलते हैं इसको, एक खास करके जो मतलब उन क्षेत्रों पे काम करते मतलब देश आर्थिक स्थिति सुधार करने के लिए यहाँ पे लोन प्रोवाइड करती है, जो इसके जो लगभग 68 कंट्रीज़ के मेंबरशिप है, जिसमें हमारा भारत भी इसमें मेंबरशिप लिया हुआ है, तो आर्थिक स्थिति सुधार करने के लिए आपका ये बैंक काम करती है। 1966 में, याद रखिए 1966 में जो है इसकी स्थापना किया गया था, और मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। अक्सर पूछा जाता है इसके हेडक्वार्टर, तो फिलीपींस मनीला में इसका हेडक्वार्टर है। मस्तागो अस्कावा अभी वर्तमान में एडीपी के अध्यक्ष हैं, इसको याद रखिएगा। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए जो इसको मैं टेलीग्राम में इस पीडीएफ को शेयर कर देता हूं, एक बार इसको बढ़िया रिवाइज कीजिएगा। तो मिलते हैं इस तरह के करंट पेज में, अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।